करते कुछ किसानों के इशू पे बातचीत जरूर हमने करी है। अभी दूसरे सेक्टर को तो सब खत्म कर दिया है, नौकरियां खत्म करी, दुकानदारी खत्म करी, जो साप्ताहिक बाजार से आने वाले टाइम पे वे भी खत्म होंगे, किसानी के साथ में पशुधन खत्म होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि दूध की एक बड़ी पॉलिसी भारत सरकार लेकर आ रही है। अभी तो हम रोलर का करते रहते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों के साथ में उनके समझौते होंगे और उन कंपनियों ने कहा कि हम 22 रुपए लीटर दूध हिंदुस्तान के हर गांव में बेच देंगे। अगर ऑस्ट्रेलियन कंपनी और जर्मनी की कंपनी 22 रुपए लीटर आपके गांव में दूध बेचेगी, जैसे वे कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, उन्हें घर घर में कोल्ड ड्रिंक और एक एक दुकान पर पहुंचा दी, क्या कोई जानता है कि कोल्ड ड्रिंक किस चीज से बनती है? चलो आप नहीं जानते, उसके मालिक का नाम बता तो वो जानता होगा, आप उसको जानते हो। ऐसे ही दूध का हाल होगा और पूरा पशुधन हमारा खत्म होगा। टर्की एक देश है, उसमें हम करीब 7-8 साल पहले गए तो वहां पे एक भी पशु उस टर्की देश में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि 20 से 25 साल पहले यहाँ के पशु सब खत्म हो गए थे, बाहर से दूध आता है। महिलाओं की भागीदारी बहुत है, इनको भी हमको मजबूत करने की जरूरत है। जो मजदूर हैं उनको भी मजबूत करने की जरूरत है। और जब तक देश में मजदूर, किसान, महिलाएं, आदिवासी जो नौजवान हैं वे मजबूत नहीं होंगे, यह आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा। जब तक जयराम और जय भीम के नारे नहीं लगेंगे तो यह आंदोलन मजबूत हमारा नहीं होगा। सबसे जरूरत है कि अपनी कमेटियां बनाए, आंदोलन की रूपरेखा बनाए और मीटिंग करें, गांवों में महिलाओं की चौपाल करें, हरा गमछा इन मालाओं की जगह हरे गमछे का इस्तेमाल करो। ये हरा गमछा सबके गले में रहना चाहिए, पता चले कि किसान आए हैं, महिलाएं किसान आई हैं। महिलाओं की अलग से पंचायत आप करो, उधर शुरू कर दिए हैं। महिलाओं की जो पंचायत है, हरे गमछे के साथ 10-10 रुपए की मेंबरशिप है, 10 रुपए की मेंबरशिप 10 रुपए जरूर ले। ये नहीं कोई अपने पास से यदि मैं 25 मेंबर बना दिए बस अपने पास से 250 रुपए जमा कर दूंगा ना, 10 रुपए अगर वो देगा तो उसकी आस्था संगठन में है। अगर वो अपने जेब से नहीं दे रहा तो ये मान लेना कि वो आपके साथ नहीं है, झूठा ही आपके साथ नहीं है, उससे 10 रुपए जरूर लेना। लोगों का स्वागत कर रहे हैं, धान की फसल आज आधे रेट में धान बिकता है तो इनको आगाह करने आए कि धान को डीएम के यहाँ पे बेचना है। जब पूरा देश का किसान अपनी फसलों को, अब तो देश के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि कहीं पर भी बेचो, बिहार का किसान की मंडी बंद कर दी तो वो डीएम के वहाँ पे बेच सकता है? डीएम के यहाँ बेचने का पर्पज क्या है? क्यों नहीं है पर्पज? क्योंकि उसके वहाँ से आवाज सीधी दिल्ली जाती है। जब तक हमारी आवाज दिल्ली तक नहीं जाएगी तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। डीसी के वहाँ से सबसे बढ़िया आवाज आती है। सर आपका एक सवाल है, अभी नए बहुत से कानून लेकर सरकार आ रही है, किसी से पूछ थोड़ा रही, जीएम सरसों को ले आई, जो कड़वा तेल है सभी उसको यूज करते हैं अपने घर में, क्या किसी किसान को पता है कि कड़वा तेल अब जहरीला तेल भी होने जा रहा है? जो पत्रकार बंधु हैं आपको जरूर पता होगा कि जीएम सरसों की परमिशन भारत सरकार ने दे दी, कृषि मंत्रालय से लिखवाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से लिखवाई। इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं इसका विरोध हमारा होगा, अगर गलत फैसले आएंगे तो उसका विरोध करना पड़ेगा। एमएसपी गारंटी कानून देश में जब तक नहीं बनेगा ये आंदोलन।
जाने। 26 नवंबर को आपने जनता से अपील किया लखनऊ मुख्यालय पहुंचने के लिए, वहां क्या संदेश देना चाहेंगे 26 नवंबर के? 26 नवंबर को संविधान बचाओ दिवस है। 26 नवंबर को ही 2020 में दिल्ली का आंदोलन शुरू हुआ, उसकी दूसरी वर्षगांठ है। पूरे देश में स्टेट की राजधानी, हर प्रदेश की राजधानी में गवर्नर के वहाँ घेराव होंगे, उनको क्या पता। दिल्ली में जो भारत सरकार ने वादा किया था उस वादे पे पूरी नहीं। सर, ये महापंचायत कब तक चलेगा? ये महापंचायत तो चलेगी, देश की आज़ादी में 90 वर्ष लगे, जब तक समाधान नहीं होगा, खेती किसानी मजदूर आदिवासी इनका समाधान नहीं होगा, ये पंचायत का जारी। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि ये मधुबन देवरांचल क्षेत्र आता है जो हर साल बाढ़ में पीड़ित होता है, यहाँ का तबाही में जाती है बाढ़ के, इसके लिए सरकार देखेंगे इसकी, पहले फिजिकल सर्वे करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, इसका क्या हो सकता है हम भारत सरकार को लिखेंगे, इस पर आंदोलन की जरूरत पड़ी इसको अपने एजेंडे में शामिल। सर, आपका कहना लेबर लॉ के बारे में कुछ बोल दीजिए। नहीं, लेबर लॉ तो बहुत से कानून जो श्रम कानून थे वो चेंज कर दिए। नहीं सर, उस पर आंदोलन उसको तो हो ही रहा, जो लेबर है, लेबर एक्ट जी, उसके खिलाफ मूवमेंट हो रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज की लेबर है खास करके वो उस पर आंदोलन कर रही है, बहुत छोड़ कर उसको आ रही है, और उन पे एक प्रेशर बढ़ाने का। वर्मा जी बहुत